पूरे तीन दिन का चक्का जाम खलगा ड्रोन पे। हमारी इस घाटी के तरफ से मध्य प्रदेश के हित में अपनी लड़ाई के लिए वो ये व्यवस्था भी करे कि एक बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना जरूरी है ताकि इस साल ये बाढ़ को रोके जा सके। इस बात को यहाँ से पानी जो भरा जा रहा है इस पानी पर रोक लगे। इस साल आपको क्या जो गुजरात सरकार ने शेड्यूल बनाकर भेजा है कि अगस्त में 131, सितंबर में 134 और सितंबर में 138-139, क्या ये शेड्यूल आपको मंजूर है? गुजरात सरकार ने डुबाने का शेड्यूल रखा है, ये मंजूर है? अगर नहीं है तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय कमलनाथ जी से ये नामांकन आंदोलन निवेदन कर रहा है कि वह जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में अपनी ओर से याचिका लगाए और फिर से उसकी सुनवाई करे कि पानी नहीं भरा जाएगा। यह हमारा आज के आंदोलन का कहना है कि हमारे अगर प्रदेश के प्रभावितों को बचाना है, टोक्यो लोगों को अगर बचाना है और अगर इस समय को आगे बढ़ाना है तो हमारी सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है, मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन है कि वो अगली याचिका लगाए। सकते हैं नहीं, हमारे नारे नहीं संकल्प है बिना पुनर्वास डूब नामंजूर, जिसको नामंजूर है वो मुट्ठी बंद करें। जात पात भाई बहन किसी भी आधार पर हम बिखरे हुए नहीं है, पार्टियों के आधार पर भी नहीं, बस पार्टी के ऊपर घाटी, पार्टी के ऊपर और लोकसभा से ऊंची, लोकसभा से ऊंची। उन्होंने जीरो बैलेंस शिवराज सिंह जी सरकार बता रही थी, उसको 6000 तक तो हलाकर मंजूर किया, लेकिन मुद्दा 6000 तक खत्म नहीं होता। पर्यावरणीय कार्य नहीं हुआ है, पुनर्वास का कार्य अधूरा है, आदेशों का पालन नहीं हुआ है, खेती वालों को वैकल्पिक जमीन गुजरात में खराब मिली, मध्य प्रदेश में कई जगह अतिक्रमित मिली, ये सब मुद्दे छुड़वाने के हजारों अर्जियां पेंडिंग है जीआरए के सामने, जहां रिटायर्ड जजेस बैठे हैं और वो बहुत धीमी गति से काम कर रहे हैं, तो ये धीमी गति से हो और लोग जल्द गति से आए और लोग जल समाधि ले लेके, ये नहीं सहन हो रहा है नर्मदा घाटी के लोगों को। कल राजघाट में जो दो लोगों की मौत हो गई, अगर पानी और बढ़ाया जाए तो सभी गांव के मुर्दों की गिनती करनी पड़ेगी, ये हमने कल ही कहा है। अब हमको ये मंजूर नहीं है, ये विकास नहीं होगा, विकास के नाम पर विनाश विस्थापन होगा। और गुजरात में अंबानी और अडानी को सबसे ज्यादा पानी दिया जा रहा है, इसलिए कच्छ के लोग किसान लोग ये भी चिल्ला रहे हैं। तो हमारे त्याग पर मध्य प्रदेश को बिजली नहीं, गुजरात के जरूरतमंदों को पानी नहीं, तो किस लिए है निमाड़ और नर्मदा घाटी की मौत? यहाँ सर्वदलीय सर्व सहमति से मध्य प्रदेश के हित की और विस्थापितों के हित की भूमिका लेना हमें अपेक्षित है। हमें अपेक्षित है कि नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी, जिसमें एक पति पत्नी का राज चल रहा है, जिसमें क्षमता नहीं है इतने 1300 किलोमीटर की मां नर्मदा को नियमित और नियंत्रित करने के, उनको होश में लाया जाए। और गुजरात में इस साल पानी ही पानी है, बड़ौदा अहमदाबाद डूब चुके हैं, तो गुजरात को इस साल पानी न लेते हुए मध्य प्रदेश को बिजली देते हुए विस्थापितों के लिए पुनर्वास के लिए समय देना जरूरी है। आज यहाँ हजारों लोग जो आकर बैठे हैं वो चाहते हैं कि एनसीए बात करे, अपने आप मजबूरी और मजबूरी से निर्णय ले लें, ये बंद नहीं चलेगा। और मध्य प्रदेश शासन राज्य का हित और विस्थापितों का हित ही अग्रभाग में रखते हुए हर निर्णय स्वीकार करे और गलत निर्णय ना मंजूर करे। पुनर्वास को आगे बढ़ाने के साथ साथ उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा अंतर्राज्य क्या राष्ट्रीय स्तर पर। तो साथियों, हमारी मुट्ठी बंद होनी चाहिए, हाथ उठना चाहिए और तभी नारे पे हम सहमत हैं ये घोषित करना चाहिए।
बिना पुनर्वास डूब ना मंजूर, बिना पुनर्वास डूब ना मंजूर। और ये कैसे लाई जा रही है डूब? संविधान के खिलाफ, कानून के खिलाफ, ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ, नीतियों के खिलाफ, आदेशों के खिलाफ और इंसानियत के खिलाफ। हम आतंकवादी नहीं है, हम जानवर नहीं है। नर्मदा घाटी के लोग क्या कीड़े मकोड़े हैं? नहीं। जिस माँ की पूजा नर्मदा जयंती पर खलघाट और धामनोद कहीं नहीं पूरे देश भर के लोग आकर करते हैं, उस माँ पर हो रहा अत्याचार व्यभिचार है। और इस माँ को जिंदा रखना हमारा संकल्प होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो रहने दो, हमें जीने दो, गुजरात और दिल्ली तय करता है। उन्होंने बिजली घर बंद कर दिया मध्य प्रदेश का और सालों से बिजली नहीं मिल रही है। महाराष्ट्र की उसी पार्टी की सरकार ने गुजरात के सामने 1800 करोड़ की भरपाई मांगी थी, 2016 में नहीं मिली। मध्य प्रदेश ने अभी 229 करोड़ की भरपाई मांगी है, पूरी भरपाई लेनी चाहिए। पर मध्य प्रदेश पिछले 15 साल से चुप बैठा, उनका मुंह बंद करके रखा था। आज अभी पोल खोल हो गई है कि ना बिजली मिल रही है, ना मध्य प्रदेश को पानी पर रखे, तो ऐसा कैसे? लेकिन राजघाट में चमन भाई की और संतोष भाई की कल जो मौत हुई, वो अपनी गांव के नाते निकलकर जिसका खेत डूब के बाहर है, वहां खेती करने के लिए जाने वाले को लेके जा रहे थे। देश की वायर में बिजली चालू रखी थी, गांव की बिजली बंद करने वाले एमपी भी नहीं, उसमें शॉर्ट बैठकर 3 बच गए और 2 की मौत हो गई। साथियों, एक प्रकार की शहादत हुई है, शहादत कि एक गांव का पुनर्वास पूरा करो, वहां शिविर लगाओ, हर एक के कागज वही देखो, रोज भर 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 के इंदौर जाना आना खर्च करना, क्या अपराधी है कि आतंकवादी है नर्मदा घाटी के लोग? क्यों उन पर ऐसी मोहब्बत लाई है सरकारों ने? तो अभी कल से रात शुरू होगी राजघाट में शिविर की बात और एक एक के कागजों की जांच। राजघाट पर तो नर्मदा जयंती में हजारों हजारों लोग पहुंचते हैं, जैसे खलघाट में उसी राजघाट में इस प्रकार से लोगों को जेल बंद नहीं जल बंद करके रखना, ये अन्याय है। बड़वानी में रहने वाले को दे दिया है पुनर्वास का लाभ, और मूल गांव के निवासी अगर उनका घर कच्चे मिट्टी का है, ईंटों का है, तो उसको मानते नहीं है, ये नहीं चलेगा। पूरे संघर्ष के बाद कारों और केवटों को भी अधिकार मिल गया है पर अमल नहीं हुआ है, कुम्हारों को अधिकार मिल गए हैं अमल नहीं हुआ है। एक गरीब अपना 10x12 का घर नहीं बना सकता, पर ऐसी स्थिति में 5,80,000 भी जो मिलना चाहिए था वो भी आधे अधूरों को मिला है और बाकी को नहीं मिला है। कि पुनर्वास अगर बाकी है तो कानून कहता है कि डूब नहीं आ सकती। किसी का घर नहीं, किसी का खेत नहीं, एक कुआं नहीं, एक पेड़ नहीं डूब सकता। लाखों लाखों पेड़ों को डुबाने वाली सरकार दूसरी बाजू पेड़ लगाओ, तापमान बढ़ते हुए रोको, जलवायु परिवर्तन रोको, ये कह रही है। क्या मतलब है? जिस घाटी में इतनी बड़ी समृद्ध प्रकृति और संस्कृति है, उसको खत्म करने वाले बड़े बांध, कम से कम विस्थापितों का पुनर्वास, जो छोटी चीज है पर बहुत बड़ी भी है। अमेरिका ने तो 1,000 बांध तोड़ दिए, 1,000, और नदियों को खुला किया, नहीं तो आज बड़ौदा डूब गया है विश्वामित्री का प्रवाह रोकने से। आज सांगली और कोल्हापुर महाराष्ट्र का डूब गया है कृष्णा का प्रवाह रोकने से। मैं अभी एक दिन के लिए केरल गई और फंस गई, यहां डूब आई, वापस आने के लिए हवाई जहाज नहीं था, हवाई जहाज अड्डा बंद हो गया, वहां के लोग टिकट निकाल कर मेरे हाथ में रख रहे थे तो भी नहीं आ पाई, क्योंकि वहां की एक एक नदी पेरियार जैसी
उसको भी रोकने से और शहर के रास्ते, पानी के रास्ते, न केवल हाथी के, न केवल लोगों की पगडंडिया, ये भी रोकते हुए हाईवे, फ्लाईओवर, पुल सब कुछ बनाने से और नदियों में मिट्टी डाल डालकर अवैध रेत खनन वाले भी डालते हैं और विकास खोर भी डालते हैं। इसके कारण पानी के रास्ते रोक गए तो जल बूढ़ी नहीं जग बूढ़ी हो जाएगी, ऐसी स्थिति देश में पैदा हुई है। साथियों, नर्मदा के किनारे से अपन को पुनर्वास लेकर जाएंगे पर उसके बाद पूरा खलघाट डूबेगा। तो भी 213 में खलघाट के कितने मोहल्ले डूबे, क्या उनको खल खुर्दिया खल बुजुर्ग में जमीन मिली है? नहीं मिली है। राज्य शासन को पता होना चाहिए क्या खोया है क्या पाया है, और हमारा अपना अपना हक अकेले अकेले का नहीं, पूरे गांव का और सभी गांवों का लेकर आज हम लोग नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के सामने खड़े हैं। क्योंकि ये जो प्राधिकरण है, जो ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार बना है, जिसका काम है कि नर्मदा के सभी बांधों का पुनर्वास, पर्यावरण और जल नियमन सब कुछ देखे, लेकिन ये प्राधिकरण आज बर्बाद है। 8,500 अर्जियां तथा 2,952 खेती या 60 लाख की पात्रता के लिए अर्जियां प्रलंबित हैं। हमारे अनुसार 6,000 परिवार और 76 गांव ही नहीं, काफी अधिक मात्रा में तो करीबन 32,000 परिवार निवास रखे हैं। गांवों में विकल्प में अधिकार न पाए दुकान, छोटे उद्योग, कारीगरी, केवट, कुम्हार तो डूब लाकर क्या इन गांवों की हत्या करने जैसे। इन मुद्दों पर कार्य बहुत धीमी गति से आगे बढ़ाए, सही प्रक्रिया अपनाना जरूरी है, क्योंकि पिछले 15 सालों में काफी गड़बड़ी, धांधली, झूठा रिपोर्ट और भ्रष्टाचार चला है। आज भी दुर्दैव से भ्रष्टाचारियों को रोका नहीं गया है। पूर्व शासन से सर्वोच्च या उच्च अदालत में प्रस्तुत याचिकाएं वापस करने के आश्वासनों की पूर्ति आज तक नहीं हुई है। पढ़ेंगे संजय भाई चौहान।